दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की न्यूज़ है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन को तो आप सभी जानते ही होंगे, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आजकल व्लादिमीर पुतिन काफ़ी चर्चा में है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन न केवल अपने निर्णयों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, बल्कि चलने की खास स्टाइल को लेकर भी वे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अगर आप कभी व्लादिमीर पुतिन के चलने के तरीके या यूं कहें कि उनके चाल को नोटिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि उनकी चाल आम आदमी से कुछ अलग है। जी हाँ दोस्तों, अगर रूसी राष्ट्रपति को आप चलते हुए देखेंगे तो पाएंगे कि वह जब चलते हैं तो बाएँ हाथ की तुलना में उनका दाहिना हाथ कम हिलता है। आखिर क्या इसके पीछे कोई राज है या कोई बीमारी? चलिए जानते हैं जवान। अगर रूसी राष्ट्रपति को आप चलते हुए देखेंगे तो पाएंगे कि वह जब चलते हैं तो बाएं हाथ की तुलना में उनका दाहिना हाथ कम हिलता है। अब सवाल उठता है कि क्या पुतिन को कोई बीमारी है, या उनका हाथ बचपन से ही ऐसा है, या उनकी इस चाल की कुछ और वजह है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर पुतिन जब चलते हैं तो उनका दाहिना हाथ ज़्यादा क्यों नहीं हिलता डुलता। दरअसल जब पुतिन चलते हैं तो इस दौरान उनका बाया हाथ झूलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उनका दाहिना हाथ ज़्यादातर एक ही स्थान पर रहता है। इसकी वजह कोई बीमारी या कोई बड़ा राज नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग है। कई विश्लेषणों से यह पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चलने की अजीब शैली एक प्रशिक्षण से संबंधित है, जो उन्हें रूसी गुप्त सेवा KGB के एजेंट के रूप में प्राप्त हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि KGB रूस की खतरनाक खुफिया एजेंसी है, और व्लादिमीर पुतिन लंबे समय तक इस KGB का हिस्सा रहे हैं। जो भी KGB में लंबे समय तक रहे हैं वो अक्सर ऐसे ही चलते हैं। इसकी वजह है कि इस चाल की मदद से कोई भी व्यक्ति मुसीबत के समय बहुत जल्दी अपना हथियार बाहर निकाल सकता है और सामने आई किसी भी परिस्थिति का आसानी से सामना कर सकता है। यही वजह है कि पुतिन अब भी ऐसा ही चलते हैं। इसका मतलब है कि पुतिन शुरू से ही सुपर फिट थे और इनके हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन जब भी चलते हैं तो शायद ही कभी वे अपना दाहिना हाथ हिलाते हैं, और आदतन केवल अपना बाइना हाथ हिलाते हैं और आगे पीछे करते रहते हैं। पुतिन की इस चाल को गन स्लिंगर स्टाइल कहा जाता है। जब पुतिन KGB में जासूस की भूमिका में थे तो उन्हें इस तरह से ही चलने की ट्रेनिंग मिली थी। इस स्टाइल की वजह यह है कि इस चाल में दाहिना हाथ हमेशा हथियार के पास ही रहता है। KGB के ऑपरेटर्स यानी KGB के सदस्यों को हमेशा अपने दाहिने हाथ को हथियार के नज़दीक ही रखने को कहा जाता है, और बाएं हाथ की ओर से आगे बढ़ने को कहा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि जब जरूरत पड़े तो दुश्मन से पहले हथियार निकाला जा सके। यह KGB की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है और इसके सभी सदस्य अक्सर ऐसे ही चलते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।